हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया सैंटियागो का प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं जो बहुत ही सुंदर है, जो सैंटियागो की खूबसूरती को निहारता है। वो माउंटेन के पास में है, पता नहीं कैसा दिखेगा लेकिन बहुत ही सुंदर है। उसके रिव्यूज मैंने पढ़े थे, तो उसके लिए हमने आज सोचा कि हम लोग जाके एक्सप्लोर करेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप है, तो अभी हम जा रहे हैं उस स्पॉट में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन हमारा बने रहेगा। तो दोस्तों, अभी हम घर से निकल गए हैं, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा बस स्टैंड तक, क्योंकि हम वहाँ उस बस स्टैंड में जा रहे हैं जहाँ से बस हमको डायरेक्टली उस स्पॉट पे लेके जाएंगी। लेकिन बस वहाँ पे डायरेक्टली जाती नहीं है, तो जिस जगह हमको बस छोड़ेगी वहाँ से हमको अराउंड 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी हम नियरेस्ट बस स्टॉप के पास में जा रहे हैं। चलो चलते हैं। मिताक्षी भी ने यार परेशान करती है, देखो अभी कैसी बैग पकड़ रही है। और ये बैग उसको गिफ्ट में मिली थी, मतलब हमारे यही के संडे को के रिलेटिव थे, मिताक्षी की मासी बोल सकते हैं शोभा, कि उनके तरफ से गिफ्ट आई है ना मिताक्षी। तो मिताक्षी अभी वो लेके तो आई लेकिन पहनने नहीं जाती। आज मौसम भी बहुत ही सुंदर है, मतलब धूप निकली हुई है, माउंटेन्स क्लियर दिख रहे हैं। और मिताक्षी आ जाओ, मिताक्षी उसको फ्लावर्स पसंद है। और जा रहे हैं भाई हम बस स्टॉप के पास में। तो दोस्तों, अभी हम बस स्टॉप के पास आ गए हैं और हमें जाना है इस डायरेक्शन में। तो अभी हम बस से बस पकड़ेंगे और फिर जाएंगे टेम्पल के पास में। तो कुठे जाता है? टेम्पल मध्ये जाता है। तो आवड़ेल का जाएगा बारह। तो दोस्तों, जो माउंटेन है वो सीधा, अगर आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा ऐसा दिख रहा है, यही से दिखता है। तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, तो हम देख रहे हैं अभी। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं मतलब माउंटेन के पास में। अभी टेम्पल यहाँ से और दूर है, लेकिन ऐसा मतलब फील हो रहा है क्योंकि अभी हम सीधे माउंटेन के ऊपर चढ़ने, मतलब क्या बोल सकते हैं कि हाइट पे है, तो इस वजह से अलग ही फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब आप पीछे से देख सकते हो कि ये स्पीड जो है ऊपर जा रही है, और अभी भी हम थोड़ा सा ऊपर ही है। तो आप देखते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि टेम्पल माउंटेन के मतलब एकदम बॉटम में है, और ये रोड जाता है वहाँ पे। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि अगर कैसे जाए वहाँ तक, पैदल जाए कि कोई कोई सर्विस अवेलेबल है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने फिर मतलब डिसाइड किया कि हम वॉकिंग जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बोल रहे थे कि आप वॉक करके जाइए, थोड़ा मज़ा आएगा और मतलब आजू बाजू का आपको फील आएगा। अगर आप गाड़ी से जाते हैं सीधा सीधा तो वो आपको टेम्पल छोड़ेगा, और जो आप माउंटेन चढ़ने का मज़ा ले सकते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, अभी ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा हाइटेड है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। मिताक्षी भी एंजॉय कर रही है, देखो। देखिए, अभी हम जा रहे हैं माउंटेन के एकदम बॉटम में। यहाँ से 1.5 किलोमीटर बता रहा है बाई वॉक, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जो हम अपने घर से देखते थे वो आज पास में जाके देख रहे हैं, और धूप होने की वजह से आज ठंड कम है तो अच्छा लग रहा है। कैसा वाटत है? एंजॉयमेंट है। देखिए, ये जो हम देखते हैं दूर से एंडिस, आज पास से देख रहे हैं, और ट्रैक अच्छा बना हुआ है मतलब पेडिस्ट्रेल के लिए। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपने जैकेट की चैन भी खोल ली है, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ऊपर है, और चलते चलते मतलब हमें गर्मी का एहसास हो रहा है। तो अच्छा लगा चल के भी, और तो चलना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत से लोग चल रहे थे, मज़ा आ रहा था। और मिताक्षी आज जो खेलते हुए जा रही है, देखिए उसको जो सैंड दिखी उसके ऊपर नंबर्स वगैरह बना रही है। तो चल चलते हैं, अभी बस पास में ही है। ये देखिए दोस्तों, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये वही है जो हमारे इंडियंस जो है, हम लोग जो सैंटियागो में रहते हैं, जब नीचे से ऊपर देखते हैं पहाड़ की तरफ, तो जो आपको दिखता है घर, ये देखिए ये वही है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बांधे हुए हैं,
और ये पीछे आप देखेंगे तो एंडस माउंटेन, ऐसा लग रहा है बहुत पास में आ गए हैं बर्फ के, तो बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं और आगे। दोस्तों ये देखिए टेम्पलो बहाई, और जो आगे देख रहे हैं आप वही टेम्पल है, उसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए बारिश जब होती है और जब बर्फ़ गिरती है तो ये पहाड़ पूरे ढक जाते हैं, तो आज देखिए खूबसूरत पहाड़ है। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और पेश है आपके सामने सैंटियागो का टेम्पलो बहाई। सैंटियागो की खूबसूरती को निहारता है, बहुत ही सुंदर लगता है। चलो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक कार आती है, लोगों की पर्सनल कार आती है या फिर टैक्सी आती है ना, ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है जहाँ तक कि मुझे दिखा, और लोगों की पर्सनल कार से आते हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे है, सामने एक एंट्री होती है, वहाँ पर पता नहीं पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, आइडिया नहीं है, लेकिन देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो चलते आगे। तो दोस्तों ये है सैंटियागो का टेम्पलो बहाई, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है टेम्पलो बहाई। इसकी हिस्ट्री ऐसी है दोस्तों कि ये जो बना हुआ है ये मार्बल से बना हुआ है, और जब मैं इसका बारे में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आया कि ये टोटल वर्ल्ड में 8 ऐसे बाही समुदाय के 8 उपासना सेंटर है, जिसमें से एक सैंटियागो में है। और ये जो बना हुआ है पूरा मार्बल से बना हुआ है, और इसकी जो अरेंजमेंट है, जो आर्किटेक्चर है, इस तरीके से बना हुआ है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो सेंटर में, मतलब जो अंदर में टेम्पल के अंदर में कुछ अलग से उनका, मतलब मैंने भी देखा नहीं, मैं भी समझ नहीं पाया, लेकिन लाइट का कुछ इफेक्ट इनसाइड होता है। तो अभी मैं वही देखने के लिए जाने वाला हूँ कि सच में ऐसा है क्या। तो जो मैंने आपको बताया ये सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो चलो चलते हैं अंदर में। तो देखिए आप जो मार्बल से बना हुआ है उसके बीच में देखिए, अगर आप थोड़ा ग्लास टाइप का देख रहे होंगे, ऐसे हर जगह से, मतलब ऑल ओवर दी जो आर्किटेक्चर है उसमें बना हुआ है। तो चलो अंदर चलते हैं कि सच में ऐसा कुछ दिखता है क्या। तो दोस्तों चलो चलते हैं, और ये देखिए साइड में खूबसूरत नज़ारा, और नीचे सैंटियागो जो अभी दिख नहीं रहा है आपको, हम बहुत टॉप में हैं, और जो बर्फ़ हम फील कर रहे हैं कि है बहुत पास में है। तो चलो गर्मी की वजह से हाल बहुत बेकार है, चलते हैं। तो दोस्तों ये है टेम्पलो बहाई, बहुत ही सुंदर है, मार्बल का बना हुआ है। बहुत से टूरिस्ट लोग आते हैं, लोकल भी लोग आते हैं, इधर साइड में भी है। तो चलो अंदर चलते हैं। इस साइड में थोड़ा पानी का कुछ तो बना हुआ है, और नीचे पूरा सैंटियागो है, बहुत खूबसूरत है यार सैंटियागो सच में। एंडस माउंटेन तो इसको चार चांद लगा देता है। सोनू सोच रही है कि अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, मिताक्षी भी सोच रही है, तो चलो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम अभी अंदर जाके आए हैं, लेकिन चीज़ें यही है कि कोई भी अगर हम टेंपल के पास में जाते हैं तो नॉर्मली अंदर रिकॉर्डिंग करना आता नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अंदर से इतना खूबसूरत था, इतना शांत प्रिय था, मतलब अगर आपको जैसे मेडिटेशंस करते हैं तो इतना शांत होता है, उस तरीके का अंदर में स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर है। कोई मुस्लिम प्रॉफिट, मुझे ऐसा लगा क्योंकि अंदर में कुछ मेरे को उर्दू में लिखा हुआ मिला, तो कोई मुस्लिम प्रॉफिट होगा उन्होंने ये टेम्पल यहाँ पे बनाया है, मेरे जानकारी से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। हमारे जो भी इंडियंस भाई बहन हैं वो यहाँ पे ज़रूर आए, विज़िट करें और देखिए कि सच में सैंटियागो कितना खूबसूरत है, और ऐसी चीज़ें अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलती है तो ज़रूर इसका लाभ हमें ज़रूर उठाना चाहिए। तो मिताक्षी अभी थोड़ा सा क्या कर रही है बेटा? बनाना खा रही है, थक गई थी तो अपना वो बैग में भर के लेके आई थी, तो अभी वो खा रही है। कैसा लगा मिताक्षी आपको ये टेम्पल? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? थक गए थे आप? लेकिन आप थक गए थे? हाँ हाँ ठीक है।
दोस्तों देखिए ये एंडेस माउंटेन और टेम्पलो बहाई कितना सुंदर है। तो भाई ये जो हमें अंदर ये बुक मिली है, मतलब सभी को मिलती है ये, तो ओरासियोनिस बहाई, मतलब कुछ बहाई समुदाय के जो सेंटेंसेस है जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल है, वो इन्होंने इसमें लिखे हैं कि आप वो सी चीज़ें हैं इसमें, तो ये मेरे को बताना था आपको। इस वजह से चलो अब उस साइड चलते क्योंकि इस साइड अभी बंद होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, मतलब हमारे इंडिया में जैसे हैंडपम्प होते हैं ना, यहाँ पे भी ये पम्प ही है और ये देखो कितना सुंदर है यूज़ करने के लिए, तो आप पानी पी सकते हो। तो देखिए फिर से एक बार टेम्पलो बहाई ऑफ सैंटियागो दे चिले। दोस्तों ये जो टेम्पल है ये मतलब सातों दिन खुला रहता है जहाँ तक कि मुझे पता है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो माफ़ करना उसके लिए, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और इसका मेरे ख्याल से वीकेंड्स में टाइम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मतलब आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हैं, अपनी कार से भी आ सकते हैं, और चलना है तो आप चल सकते हो एंजॉय करने के लिए। और मैंने यहाँ पर अभी तक कोई रेस्टोरेंट ऐसा देखा नहीं है, तो अपना पानी वगैरह चीज़ें आप लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का सैंटियागो दे चिले में टेम्पलो बहाई का बहुत ही सुंदर है, हम सबका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है। तो अभी हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे, तो चलो कुछ और दिखता है रेस्टोरेंट वगैरह अगर यहाँ पे होंगे तो एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके बैक साइड में हम अभी तक गए नहीं हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसके बैक साइड में जाएं, एक राउंड मारें। लोग अंदर में प्रेयर करते हैं और यहाँ पे पानी है। ओ बहुत ही सुंदर है एंडेस माउंटेन। अभी ठंड क्योंकि आज धूप है तो थोड़ा गर्मी लग रही है, लेकिन ठंड के टाइम में तो और ही है, अभी भी जो एक्सट्रीम ठंड चल रही है उसके हिसाब से तो बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम साइड में थोड़ा सा इसके क्या बोलते हैं उसको, प्रदक्षिणा करते हैं। अभी हम टेंपल के पीछे साइड में आए हैं, पीछे साइड में अच्छा है, सुंदर है, जैसे हमारा ताजमहल है वैसे सैंटियागो का टेम्पलो बहाई है जो मार्बल से बना है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा टूर था, एक नया चैप्टर ऐड हो गया है, मेमोरी हो गई है ऐसा बोल सकते हैं। टेम्पल बहुत ही सुंदर था और यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ चार्ज है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये रिसेप्शन है, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं सैंटियागो के बोलिए बाहर से बोलिए उनको गाइड किया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, पार्किंग के लिए व्यवस्था है, तो ये सब चीज़ें के लिए आप ज़रूर यहाँ पे आइए। तो चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ नए प्लेस के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा। तो दिस संगरत्ना साइनिंग ऑफ।